पीएम मोदी ने सीएसआईआर को संबोधित करते हुए वैज्ञानिकों को क्यों कहा भविष्य के लिए चुनौतियों के लिए तैयार रहें। क्या अमेरिका से जल्द आने वाली है वैक्सीन की बड़ी खेप? किसने कहा वैक्सीन सप्लाई में गेम चेंजर साबित हो सकता है भारत? और दिल्ली में कब से आम लोगों के घर के पास मिलेगी वैक्सीन? कोरोना से लोगों को सुरक्षा कवच देने वाली वैक्सीन से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 मिशन वैक्सीनेशन में। पीएम मोदी ने सीएसआईआर मीटिंग में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, वैज्ञानिकों ने मानवता का काम करते हुए एक साल में मेक इन इंडिया वैक्सीन बनाई। देश को आत्मनिर्भर बनाने में वैज्ञानिकों का अहम योगदान है और वो कोरोना से बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ही नहीं ऐसी कई चुनौतियां अभी भविष्य में छिपी हो सकती हैं। वैज्ञानिकों को भविष्य के इन चुनौतियों के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी होगी और तैयार भी रहना होगा। वैक्सीन पर भारत के लिए अमेरिका से अच्छी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अगर ओवर स्टॉक में से 75% वैक्सीन बाहर भेजेंगे, जिसमें भारत को अमेरिका से जल्द वैक्सीन की पहली और बड़ी खेप मिलेगी, जिसमें फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन शामिल हैं। अमेरिका के वैक्सीन देने की पहल पर पीएम मोदी ने अमेरिका की तारीफ की है। पीएम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात कर उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि वैक्सीन शेयरिंग के लिए अमेरिकी रणनीति तारीफें काबिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन सप्लाई में भारत गेम चेंजर हो सकता है। भारत में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता बढ़ने से पड़ोसी देशों को लाभ पहुंचेगा। अमेरिका ने बयान दिया है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग की जरूरी सामान और $100 मिलियन की मदद करेगा। मुंबई में एक बार फिर से वैक्सीनेशन ने जोर पकड़ ली है। राज्य सरकार से बीएमसी को कोविशील्ड की 87,000 डोज मिलने के बाद लोगों के वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया। बीएमसी और सरकारी केंद्रों पर लाभार्थियों को टीका लगाया गया। दिल्ली में 15 जून से आम लोगों को अब घर के आसपास छोटे अस्पतालों और नर्सिंग होम में वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के महानिदेशक डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने कहा है कि दिल्ली के 850 छोटे और मझोले अस्पतालों में वैक्सीन मिलने लगेगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने टर्मिनल 3 पर वैक्सीनेशन सेंटर लॉन्च किया है। यहां पर एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिजनों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। डायल की इस पहल से करीब 60,000 कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का फायदा मिलेगा। गाजियाबाद और मथुरा में मुस्लिम समुदाय को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की अनोखी पहल शुरू हुई है। इमाम अब मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहा है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।